अगर नहाते वक्त या तैरते वक्त आपके कान में पानी चला जाए तो आप उसको किस तरह से अपने घर पर ही निकाल सकते हैं। पहले तो आपको ये समझना भी जरूरी है कि इस स्थिति में हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर कान में पानी चला जाए तो इसमें ये भी समझना जरूरी है कि ये कोई इमरजेंसी नहीं है, इसमें घबराने की ऐसी जरूरत नहीं है। हम कान को इस तरह से, जो लॉब्यूल है ये वाला हिस्सा है, इस तरह से इसको हिला के और गर्दन को इस तरह से टिल्ट करके हम कान का पानी निकाल सकते हैं। अगर इस तरह से भी आराम ना हो तो हमको जो कान का पिन्ना है वो पीछे और बाहर की तरफ इस तरह से वाइब्रेट हम करके कान का पानी निकाल सकते हैं। एक और तरीका है कान में वैक्यूम क्रिएट करने का। हम कान को इस तरह से रख के एक वैक्यूम क्रिएट करके और इस तरह से भी हम कान का पानी निकाल सकते हैं। अगर फिर भी कान का पानी नहीं निकलता है तो हम एक हेयर ड्रायर की मदद से और इसकी टेम्परेचर सेटिंग्स और लोअर सेटिंग्स लो लेवल पे सेट करके और उसको करीब करीब 50 सेंटीमीटर दूर रख के भी हम कान का पानी सुखा सकते हैं। कान का पानी निकालने में दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये चीज़ें ना करी जाए, ना ही हमें कोई टॉवल का कोई कोना कान के अंदर डाल के उसको साफ करना है, ना ही हमें किसी तरह के ईयरबड का प्रयोग करना है, क्योंकि इससे हमें कान में इन्फेक्शन की संभावना और इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ये जो घरेलू नुस्खे हैं इनसे आप कान के पानी को आराम से निकाल सकते हैं। और फिर भी अगर कान का पानी नहीं निकलता है तो आप अपने नज़दीकी कान नाक गला रोग विशेषज्ञ से संपर्क करके इसका निवारण कर सकते हैं।